हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं सिमरन हाजिर हूं और आज मैं आपसे बात करूंगी। जी, बात करना बहुत ज़रूरी होता है। बात करने से हम लोगों को जान पाते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज़ शेयर कर पाते हैं। वी शुड ऑलवेज टॉक। पर क्या है ना, हम बात तो करते हैं पर बात नहीं करते। नहीं समझे? कहने का मतलब है कि जब हमें कोई चीज परेशान करती है तो हम उस बारे में कभी बात नहीं करते, या शायद करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हम अपनी वीकनेस, अपने पर्सनल इश्यूज सबके साथ नहीं बांट सकते। सही भी है, पर्सनल लाइफ हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कुछ ऐसा हो जो अंदर ही अंदर हमको खा रहा हो तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ मानसिक तनाव की, या कहें मेंटल स्ट्रेस की, मेंटल हेल्थ की। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से फेजेस से गुजरते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर एक छाप सी छोड़ जाते हैं, जैसे ब्रेकअप्स, किसी अजीज़ का दुनिया से चले जाना, कुछ ऐसे इवेंट्स जो दिमाग से कभी निकाल ना पाए हों, वगैरह वगैरह। हम कोशिश करते हैं कि इन बातों को अपने अंदर दबा दें और खुद ही खुद को संभाल लें, पर ऐसा होता नहीं है। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा मौका आ ही जाता है आंखों के सामने जो हमें हमारे जख्म याद दिला जाता है, और जितना भी कोशिश करें संभाल नहीं पाते। अंदर दबी हुई वो यादें, वो बातें हमें याद आने लगती हैं। हम कोशिश करते हैं फिर से छुपाने की, बातों को दबाने की, पर इस सब में एक गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर कब आ जाता है हमें पता भी नहीं लगता। हम अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, परिवार से हमेशा अलग थलग रहने लगते हैं। धीरे धीरे अकेलापन ऐसे हमें घेर लेता है कि फिर दुनिया से अलग बस वो दबी हुई फीलिंग्स और हम साथ रह जाते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए बात करना ज़रूरी है। टॉक इट आउट। अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी फीलिंग्स को अंदर रखने से सिर्फ आप खुद को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। यू कैन टॉक टू एनी वन। आप किसी से भी बात कर सकते हैं। अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपने किसी दोस्त से बात कीजिए, या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, अपने थेरेपिस्ट से बात कीजिए। वो सब कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अपनी ज़िंदगी को अच्छा या बुरा हम खुद बनाते हैं, और हेल्प लेने से, बात करने से अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है तो क्यों देर करना? दोस्तों, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ मेंटल स्ट्रेस और मेंटल इलनेस जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत आम होते जा रहे हैं। आज हर कोई किसी न किसी चीज़ से परेशान है। कोई अपनी जॉब से स्ट्रेस्ड है, बॉस के तानों से परेशान है, कोई घर में चल रही प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान है, कोई स्टडीज़ को लेकर परेशान, तो कोई फाइनेंसेस को लेकर, कोई दिल टूटने से परेशान है, और कोई रिश्तों में होते हुए परेशान, परेशान परेशान परेशान। हर किसी को किसी न किसी तरह का स्ट्रेस है। तो जब सभी स्ट्रेस्ड हैं तो खुश कौन है? मैं बताती हूँ, खुश वो है जो जानता है कि परेशानियाँ ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं होंगी तो खुशियों की कीमत का पता कैसे लगेगा? ज़िंदगी में जो होना है वो तो होना ही है। जो हो चुका है उसको कोई बदल नहीं सकता। जो बीत गया उसको सोचकर आज में परेशान होने से कुछ बदलने वाला नहीं है, और जो होने वाला है उसका हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है। प्रॉब्लम से परेशान होने की जगह उसका सॉल्यूशन निकालना ही ऑप्शन है। बात करके अपने दर्द को हल्का करना ही सही तरीका है। बीते कल की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है।
दोस्तों बहुत कीमती होती है ज़िंदगी, इसको परेशानियों से ख़राब मत करिए। सो आई होप आज की ये बात सुनकर आपको कुछ तो ऐसा लगा होगा कि मैंने कुछ अच्छी बात करी है, और आप अपनी मेंटल हेल्थ को, मेंटल वेलबींग को बहुत सीरियसली लेंगे और अपने ऊपर ध्यान देंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अगर परेशान ही होते रहेंगे तो जिएंगे कब? बात करिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। तो मैं चलती हूँ, जल्दी लौटूंगी एक नए टॉपिक के साथ और आपसे फिर आऊँगी बात करने। अडियोस।